तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड दीपक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में काफ़ी पसंद की जाने वाली चॉकलेट बॉल्स। तो चॉकलेट बॉल को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ले रखा है मूंगफली, चेरी, बटरस्कॉच नट्स, किशमिश, काजू और स्प्रिंकल है कलरफुल बादाम, चोको चिप्स ब्लैक एंड वाइट। ये सारा मैंने 50-50 ग्राम की क्वांटिटी में लिया हुआ है दोस्तों। आप अगर कम बनाना चाहो तो कम भी ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट जो आपके पास है वो ही यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारा आपको डालना है, जो आपका पसंदीदा हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसको अच्छे से बारीक बारीक क्रश कर लिया दोस्तों, कट कर लिया है। आप भी इसको अच्छे से चॉप करके ही डालिएगा, जितना बारीक हो उतना अच्छा है। और फिर इस तरह से मैंने एक चॉकलेट ब्रेड ली है। अगर आपके पास आपको अगर ब्रेड बनाना ना आता हो तो चैनल पे हमारी इसकी रेसिपी ऑलरेडी देख सकते हैं आप वहाँ से। और आप इसको बिस्किट से भी तैयार कर सकते हैं, और यो बिस्किट को मिक्सी में पीस के मिल्क ऐड करके और इनो, इससे भी आसानी से आपका ये चॉकलेट ब्रेड तैयार हो जाएगा। घर पे कढ़ाई में आप इसको बना सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर हमें इसको इस तरह से कुछ तोड़ लेनी है ब्रेड को। ब्रेड को अच्छे से क्रश कर लेना है। जितना बारीक है उतना अच्छा है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ चैनल पर। तो यह हमारा सारा हो चुका है क्रश यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश डाल दिया, पिसी हुई मूंगफली डाल दी है, और ये कटा हुआ बादाम, चेरी, टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं इसे, वाइट एंड ब्लैक चोको चिप्स, और ये लास्ट में बटरस्कॉच नट्स। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं दोस्तों, अगर आपके पास हो तभी आप इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज जो आपके पास नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। दोनों हाथों से अच्छे से इसको हमें, जिससे कि ड्राई फ्रूट और चॉकलेट ब्रेड एकदम मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें इसमें डालना है मेल्टिंग चॉकलेट। यहाँ पे मैं 200 ग्राम यूज़ में ले रहा हूँ मेल्टिंग चॉकलेट, और इसे अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। जैसे कि आटा गूंथते हैं उस हिसाब से इसकी गुथाई कर लेनी है। जैसे कि चॉकलेट और आपका स्पंज और ड्राई फ्रूट, ये तीनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। जिस तरह से इसको मिला लेना है। करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मिलाने में। तो यहाँ पे हमारा ये गुथाई हो चुकी है इसकी, अब ये रेडी हो चुका है। अभी क्या करना है दोस्तों, इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स है हमारे बॉल्स के अंदर। अब हमें इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। यहाँ पे मैं 60 ग्राम का इसका वेट रखूँगा। देखिएगा 60 ग्राम हमें इसको तोल के, आप चाहो तो छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके सारे बॉल्स बना के रख लिया हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमें इसको अच्छे से हाथों से रोल कर लेना है। किस तरह करना है वो देखिएगा। पहले हमें इसे अच्छे से दबा लेना है और फिर इसको खूब अच्छे से घुमाना है, इसके बीच में कोई भी क्रैक्स ना रहे। बहुत ही शाइनिंग आएगी इसमें आप अगर अच्छे से इसको गोल गोल घुमाएंगे और खूब दबा करके अगर इसको आप बनाएंगे तो ऊपर की जो चमक है वो रहनी चाहिए इसमें। तो इस तरह से हमें इसके सारे रोल बना के रख लेने हैं। देखिए दोस्तों ये मेरे सारे रोल यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं।
अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मेल्टिंग जो चॉकलेट है इस पर इसको डिप करना है कुछ इस तरह से। ऊपर से आप इसको डिप कीजिएगा और उल्टी तरफ से जहाँ से आपने पकड़ा है उस तरफ से इसको रख दीजिएगा। जो ऊपर मेल्टिंग चॉकलेट है वो धीरे धीरे नीचे तक आ जाएगी और पूरे रोल में चॉकलेट आ जाएगा। यहाँ पे सारे डिप हो चुके हैं। अभी हम इसको इसके ऊपर ये जो कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं ये डाल देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों सारे में हमें इसको डाल देना है। देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बॉल्स। और इसको इसी तरह से डालते हुए फिर हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखना होगा दोस्तों, जिससे कि चॉकलेट सेट हो जाए और बॉल्स में चिपक जाए अच्छे से। 15 मिनट बाद दोस्तों हमने इसको निकाल लिया है। अभी देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बॉल्स। तो दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही ऐसी किसी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।